पत्नी को छोड़कर भाग रहे पति को लड़की वालों ने ट्रैप कर बस स्टैंड में पकड़ लिया, जिसके बाद गिरिडीह बस स्टैंड में खूब तमाशा हुआ। बाद में नगर पुलिस ने पति को कब्जे में ले लिया। बताया जाता है कि बिरने गांव की युवती के साथ युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने 2 साल पहले परिवार वालों के खिलाफ जाकर कोलकाता कोर्ट में प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से लड़के के परिवार वाले लड़की को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसी दरमियान लड़के के परिवार वालों ने लड़के पर लड़की को छोड़ देने का दबाव बनाया और लड़के ने भी इसे मान लिया। इसी क्रम में लड़का मुकेश दास अपने जीजा के घर छिपकर बनियाडीह में रह रहा था। शुक्रवार की दोपहर वह शहर छोड़कर कहीं भागने के फिराक में था, तभी लड़की वालों की नजर इस पर पड़ी। लड़की पक्ष के लोगों ने बस अड्डे में ही लड़के को पकड़ लिया और इसे नगर पुलिस के हवाले कर दिया। परेशानी क्या हो रही है? परेशानी कुछ नहीं हो रही है, इसका जो माँ बाप है और अपने लिए चाह रहा था, लड़का चल गया, लड़का को बुलाएगा तो लड़का सी रूम तोड़ के आ दिया, रुकवा दिया, लड़का बाहर भेजवा दिया। घर देखने के राजी नहीं हुआ तो हम लोग अलग में रहने लगे। तब जाते हैं ये लोग, हम केस किए थे थाना में, तो जाते हैं सब घर के परिवार आया, मुखिया सुखिया सब आया, मुखिया घूस खा के हम लोग का काम होने दे दिया। कौन सा गांव का मामला है ये? धनेपुर, धनेपुर इलाका है, जिले मतलब बिरने, बिरने का है। आपका शुभ नाम क्या हो गया? कहाँ के रहने वाले हैं? आपके पिताजी का नाम? ये शादी कब हुई थी आपकी? 2019। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता। रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? अभी हम कुछ नहीं। आपके घर के गार्जियन क्या कर रहे हैं? घर वाला क्या खाएगा वो? आपने तो सोच समझ के किया होगा ना कोई भी काम? नाबालिग तो आप है नहीं, मामला ये कोर्ट मैरिज लोन का हुआ था, तो इसमें कि लड़के को द्वारा बाद में छोड़ दिया गया है जी, तो वही आज बताया है, अब थाना लेके जाएंगे, उसके बाद ही कुछ आगे की सूचना करेंगे।